हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाय फाइशडी पर। आप सभी के लिए ट्रिपल सी की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इस क्लास में पूरे 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रश्न काफ़ी बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। दूसरा, जो बच्चे दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये क्लास आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे UPPCL TG2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं वो सब के सब ट्रिपल सी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया है, हमने एक बार दिखाया भी था आपको, तो उस नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है कि आपके जो कंप्यूटर के प्रश्न होंगे वो ट्रिपल सी लेवल के होंगे, ठीक है। जो ट्रिपल सी एग्जाम का सिलेबस है, जो ट्रिपल सी का पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सभी इस क्लास को भी देख सकते हैं और इससे पहले जितने भी प्रीवियस क्लास कराए हैं आप उनको भी जरूर देखें। और ट्रिपल सी वाले बच्चों को बता दें कि जिन बच्चों का 29 सितंबर से एग्जाम है, यानी कि 29 सितंबर से जिन बच्चों का एग्जाम स्टार्ट है, और उसके बाद अगर जिन बच्चों ने अगस्त में फॉर्म भरा है उनका फिर 3 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट है, तो आप सभी जो ये सीरीज हम आपको दे रहे हैं इसको तो करेंगे ही करेंगे। और इससे पहले जितने भी क्लास हमने आपको करा दिए हैं, एक तो हमने चैप्टर वाइज टेस्ट करवाए हैं, तो आप वो ट्रिपल सी क्रैश कोर्स जरूर देखें जिसमें सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जितने भी मॉडल पेपर कराए हैं आप उन मॉडल पेपर को जरूर करें, ठीक है। तो मॉडल पेपर यानी कि जो 100 प्रश्नों के क्वेश्चन कराए हैं उनको भी आप लोग जरूर करें। साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट करते रहें, ठीक है। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको अपने ब्राउजर में www.triplecbyfaishi.com टाइप करना है और इस वेबसाइट पर आकर के आप अपने टेस्ट जरूर दें, ठीक है। यहाँ से आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं, उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी प्रिपरेशन करने का एक माध्यम आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आए तैयारी करने से संबंधित, तो आप मुझे सीधे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी साथी भाई एक बार क्लास को शेयर कर दो और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी शेयर करो जल्दी से और पहले क्वेश्चन का आप लोग जवाब भेजो। आज इसमें 30 प्रश्नों को रखा गया है, ठीक है। 30 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे इस क्लास में और इसके बाद समय समय पर जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी उनको हम लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। RTGS में T का मतलब पूछा है, ठीक है। तो RTGS का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि RTGS में जो T होता है इसका फुल नेम क्या होता है। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है। RTGS में जो T होता है उसका मतलब होता है टाइम, और इसके फुल नेम की अगर बात करें तो RTGS का फुल नेम क्या होता है, रियल टाइम, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। RTGS का फुल नेम क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, तो T फॉर यहाँ पर टाइम हो जाएगा। याद रखना है इसमें कम से कम, ठीक है, मिनिमम 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कम से कम आप 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, मिनिमम 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन आप RTGS से नहीं कर सकते हैं, 2 लाख से ऊपर का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख से कम का करना चाहते हैं तो RTGS नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग होती है RTGS की वो क्या होती है, 8 AM से लेकर के और 6 PM तक होती है, ठीक है। तो RTGS की टाइमिंग कितनी है, 8 AM से लेकर के 6 PM की टाइमिंग है, जिसमें आप कम से कम 2 लाख ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 2 लाख से कम का अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। इसका फुल नेम क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI, ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते हैं, AI कहते हैं। अब इसका जनक, फादर ऑफ AI किसे कहा जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है, तो यहां पर सही जवाब है जॉन मैकार्थी को क्या कहा जाता है, AI का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, याद रखना है जॉन मैकार्थी। और अगला प्रश्न पूछा है, पहली AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहा गया है।
फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहा गया है? बेसिक, फोरट्रान, आईपीएल या लिस्प, LISP? इसमें से कौन सा आपका सही जवाब है? फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग भाषा किसे माना गया है? देखो सभी लोग लाइक करो क्लास को जल्दी से, भाई सभी लाइक करो जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, और सभी साथी अपने जो भी दोस्त हैं आप उनको शेयर करो, जो भी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर करो, ठीक है। और जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी सब्सक्राइब करो, साथ में आप घंटी के बटन को भी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, ओके। क्योंकि बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्लासेस होते रहेंगे, ठीक है, इसके अलावा भी और भी क्लास होते रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को जो भी टाइम अब शेष बचा है इसमें सारा कुछ कंप्लीट कराना है, इसलिए बीच बीच में भी क्लास लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जब भी पहुंचेगा जब आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है लिस्प, जिसका मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या मतलब होता है? लिस्ट और प्रोसेसिंग याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है आपको, ठीक है। लिस्ट प्रोसेसिंग होता है, ये पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा है, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको किसने डेवलप किया, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को किसने लिखा? सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम किसका आएगा? जॉन मैकार्थी का, ध्यान रखना है, जॉन मैकार्थी का, ठीक है, जॉन मैकार्थी, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि AI भाषा का आविष्कार किसने किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किसने किया? जॉन मैकार्थी ने किया। और सबसे पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी? तो वो थी लिस्प, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग, और जिसको किसने बनाया था? जॉन मैकार्थी ने ही बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यहां पर आपसे क्या पूछा है? RPA का अर्थ क्या होता है? RPA का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग जवाब करें, RPA का पूरा नाम क्या होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, याद रखना है आपको, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA का फुल नेम होता है। अगला प्रश्न पूछा है, SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना है? SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना है? 22, 25, 110 या 80? तो यहाँ पर सही जवाब है 25। देखो SMTP प्रोटोकॉल किसके लिए इस्तेमाल होता है? आपको पता है मेल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका जो पोर्ट नंबर है वो कितना है? 25 है। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता होगा, सिंपल, एस फॉर सिंपल, उसके बाद मेल, ठीक है, सिंपल मेल और ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP का पूरा नाम होता है, मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पोर्ट नंबर 25 है। अगला क्वेश्चन है, KYC का अर्थ, KYC का फुल फॉर्म, और इस प्रकार से ये कॉमन क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम में, ये मोस्टली बहुत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है KYC का पूरा नाम। चलो जल्दी से आप लोग जवाब भेजो, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है और इसमें 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज इस क्लास में सबसे पहले तो हमें देखना चाहेंगे कि आप इन 30 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन सही कर देते हैं, ओके। तो इन 30 प्रश्नों में आप लोग कितना सही कर लेते हैं, कितना आप लोग अपना माइंड यूज कर पाते हैं इन प्रश्नों में, तो आप कोशिश करना कि सभी का सही आंसर देना, थोड़ा सोच समझ कर आंसर करना, ठीक है। KYC का मतलब क्या होता है? यहाँ पर नो योर कस्टमर हो जाएगा, अपने ग्राहक को जाने, है ना, अपने ग्राहक को जाने, KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम का विकास किस संस्था ने किया? आपको बताना है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम का विकास कौन सी संस्था ने किया? CDAC ने किया, IIT कानपुर ने किया, BARC ने किया, या फिर इसमें से कोई नहीं, कौन सी संस्था ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया? तो भाई जल्दी से जवाब भेजो, यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CDAC ने किया, ठीक है। CDAC संस्था ने किसका निर्माण किया? परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया, ठीक है।
और अगर आपसे पूछें कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो परम 8000 भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, जो कि किसने बनाया, सी डैक ने बनाया। ठीक है, सी डैक ने इसका निर्माण किया और ये कहाँ बना तो ध्यान रखना है पुणे में बना। ठीक है, पुणे में ये बना, सी डैक कंपनी के द्वारा बनाया गया। कौन सा कंप्यूटर है, परम 8000 है, जो कि भारत का सबसे पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ओके, तो फर्स्ट, हालांकि परम सीरीज के बहुत सारे, परम 10000 आया, ठीक है, तो बहुत सारे परम सीरीज के कंप्यूटर आए हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें परम सीरीज का, तो वो है हमारा परम 8000, जिसे सी डैक कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है, ईमेल के जनक कौन है, भाई ईमेल को किसने बनाया, है ना, ईमेल की शुरुआत किसने कर दी, तो ईमेल के जनक आपसे पूछे हैं, कौन सा करेक्ट आंसर है। चलो भाई जल्दी से जवाब भेजो, ईमेल के जनक कौन है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक हैं या फादर ऑफ ईमेल हैं, आप बोल सकते हैं फादर ऑफ ईमेल। ठीक है, तो इन्होंने 1971 में पहला ईमेल भेजा था। ठीक है, 1971 में पहला ईमेल भेजा था इन्होंने, और पहला जो ईमेल भेजा था वो किस नेटवर्क का इस्तेमाल वहां पे किया था, तो आपको पता है जो फर्स्ट नेटवर्क था, ठीक है, आर्पानेट, तो यहाँ पर आर्पानेट का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, आर्पानेट से वो कंप्यूटर आपस में दोनों कनेक्ट थे, जिसमें उन्होंने एक कंप्यूटर से ईमेल भेजा था दूसरे कंप्यूटर को। ठीक है, तो दोनों कंप्यूटर किस नेटवर्क से कनेक्ट थे, आर्पानेट से कनेक्ट थे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ईमेल के जो जन्मदाता हैं, ईमेल के जो जनक हैं, वो रे टॉमलिंसन हैं, जिन्होंने 1971 में इसको बनाया था। ठीक है, यह पहला ईमेल भेजा था। अगला प्रश्न है, पैन का पूरा अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखना है, आपके ट्रिपल सी एग्जाम में इस प्रकार से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, यहां पर डिपेंड करेगा ऑप्शन किस प्रकार के दिए हुए हैं। देखो, एक तो पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्या होता है, पर्सनल एरिया और नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो यहाँ चार ऑप्शन में कहीं आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं दिख रहा है, और इसके बाद पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है, तो यहाँ पर सी में आपको क्या दिखा, परमानेंट अकाउंट नंबर दिखा, तो आप इसे सही करेंगे। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन ना हो करके पर्सनल एरिया नेटवर्क होता तब आप उसे सही कर सकते थे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, आपके चार ऑप्शन हैं, उस चार ऑप्शन में ही आपको अपना आंसर छांटना होता है। ओके, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है। वन टाइम पासवर्ड, जिसे हम शॉर्ट में ओटीपी भी कहते हैं, है ना, क्यों सुरक्षित है, यह जनरेट करना आसान होता है, इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, यह हर एक्सेस के लिए अलग होता है, भिन्न होता है, और यह एक जटिल एनक्रिप्टेड पासवर्ड है। तो इसमें से क्या होगा राइट आंसर, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यह हर एक्सेस के लिए भिन्न है। आप जितनी बार भी एक्सेस करते हैं उतनी बार आपको एक नया ओटीपी जनरेट होता है, और जब आप उस ओटीपी को फिल करते हैं तभी आप लॉगिन कर पाते हैं। तो ये सुरक्षित इसलिए है क्योंकि जब भी आप लॉगिन करते हैं तब आपके पास एक नया ओटीपी, एक नया वन टाइम पासवर्ड आएगा, और वो कुछ समय तक के लिए वैलिड रहेगा, अगर आप उसको फिल नहीं करते हैं उसके टाइम पीरियड के अंदर तो वो एक्सपायर हो जाएगा और फिर आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ये आपके लिए क्या है, सबसे सुरक्षित है, या हर एक्सेस के लिए भिन्न होता है, जितनी बार एक्सेस करेंगे उतनी बार आपको नया मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कौन सा कार्य आप नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन देखिए, ऋण के लिए आवेदन करना, खाते से नकद निकालना, खाते का विवरण देखना, और हाल ही के कार्य विवरण देखना। कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग से नहीं किया जा सकता है, ठीक है,
चलिए भाई, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, खाते से नगद निकालना, ये वाला काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आवेदन कर सकते हैं, आप लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आप खाते का विवरण देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, किसी को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैश निकालना चाहते हैं तो कैश आपको नहीं मिल पाता है। कैश निकालने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, एटीएम विजिट करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आप कैश नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेट बैंकिंग से आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके, बाकी सारे काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आईएमपीएस का लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है? आईएमपीएस का लेन देन करने के लिए कौन सा माध्यम नहीं हो सकता है? चलिए भाई, सही जवाब करना है, IMPS का पहले तो फुल फॉर्म समझ लो भाई। IMPS का मतलब क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा? पैन। तो IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्न में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है? तो SMS हो सकता है, बैंक ऐप ऑन स्मार्टफोन ये भी हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग भी हो सकता है, पैन यहाँ पर नहीं हो सकता है। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा, इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? बैलेंस की जांच करना, खाता लेन देन, भुगतान, उपरोक्त सभी, कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? करेक्ट आंसर यहां पे ऑल ऑफ दी जो है, मोबाइल बैंकिंग सेवा में बैलेंस की जांच करना, खाते का लेन देन करना, भुगतान करना यानी कि ट्रांजेक्शन करना, तो ये सारी चीजें हैं उसमें शामिल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, RTGS का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? अभी आपको फर्स्ट प्रश्न में बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, क्योंकि RTGS का जो पूरा नाम होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए, हम एक तरफ से आपको सारी चीजें पढ़ा देंगे जो भी इंपॉर्टेंट है आपके RCC एग्जाम के लिए, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ पढ़ा देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और हमने कहा कि जो आपके एक्सेल, ठीक है, जो आपके एक्सेल और कैल्क यानी कि जो स्प्रेडशीट है उनके जो फार्मूले हैं उसके लिए एक स्पेशल हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एक ही क्लास में सारे फार्मूले क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप उसकी भी चिंता ना करें, वो सारी चीज़ें हम करा देंगे। और यहाँ पर जो भी क्लास हम आपको दें उसको आप कंटिन्यू करते रहें, नोट्स जरूर बनाएं, आप लिखते रहें, साथ साथ हम इसके PDF भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर इसके PDF आपको हमेशा मिलते रहेंगे, बराबर हम वहाँ पर PDF अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। और आप क्वेश्चन आंसर भी वहाँ से पढ़ते रहेंगे, मॉक टेस्ट भी आप देते रहेंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अपने हैंड से, अपने हाथों से लिखें जरूर अपनी कॉपी पर, जब आप थोड़ा लिखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, आपका मन लगेगा। वास्तविकता में अगर आप RCC एग्जाम को एक अच्छी ग्रेड में पास करना चाहते हैं तो हमारी क्लास को देखते देखते आप ज़रूर नोट किया करें, ठीक है, या फिर आप क्लास फिनिश होने के बाद में उसको जरूर नोट किया करें, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एक अच्छी ग्रेड जरूर हासिल करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, DFS का विस्तारित रूप क्या होता है? DFS का विस्तारित रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा है। देखो क्या होता है ना, जब हम एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार आपने ऐसे पढ़ लिया तो उस समय तो आपको पता है, जैसे मैंने पूछा DFS का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर आपने पढ़ लिया, आपको याद हो गया। बट क्या होगा, इसको अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, नोट नहीं किया होगा, तो इसको आप कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे, है ना। और जब हमें ज़्यादा पढ़ना होता है तो फिर हम कितना याद रखेंगे, नहीं याद रख सकते उतना ज़्यादा। तो जब भी याद रहेगा हमें, जब हमने उस पर पूरा मन लगाया होगा, हमने 100% उस क्वेश्चन के लिए अपना दिया होगा, तभी वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, अदरवाइज आप उसको 1 वीक के अंदर भूल जाएंगे, है ना, कुछ समय के बाद आप उसको भूल जाएंगे। तो पढ़ते समय नहीं लगेगा आपको कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, पढ़ते समय तो आपको लगेगा कि नहीं, हम तो सही से पढ़ रहे हैं, हमें तो सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें पूरा 100% आप नहीं दे पा रहे हैं, पूरा मन आपका नहीं लग रहा है, पूरा इंटरेस्ट आपका वहाँ पर नहीं लग रहा है, और ऐसे में फिर क्या होगा, आप उसको भूल जाएंगे। जिस समय तो आपको याद है, उस समय जब पढ़ रहे तब तो याद है, आपको ऐसा लग भी रहा है कि हाँ हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन
नहीं, आप उसको जरूर भूल सकते हैं अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होता। तो टीचर का मतलब यही होता है कि लाइफ टाइम आपके पास रहे, वो चीज़ आपको याद रहे, उसको पता है, क्योंकि उसके पास ऐसे बच्चे बहुत आते रहते हैं, है ना, जिनको अभी तो पता है लेकिन आगे भूल गए, तो उसको एक आइडिया है कि हाँ क्या बच्चा कर सकता है, कैसे वो चीज़ें को समझेगा, कैसे वो याद रखेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अगर नोट करेंगे, पूरा मन से पढ़ेंगे, पूरा इंटरेस्ट देंगे, पूरा समय देंगे, है ना, जब अपना समय देंगे तब आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं और हमें तैयारी करना है ना, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यादें चीज़ें ज़रूर आपको याद रहेंगी, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर आप समझेंगे तब, ठीक है, और हल्के में लेंगे तो शायद फिर आप उनको याद नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, DFS का फुल फॉर्म होता है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। अगला प्रश्न आपके सामने है, RTGS कब से प्रारंभ किया गया, यानी कि RTGS का जो शुरुआत हुई वो कब से हुई है। सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा मार्च 2004 से, ठीक है, मार्च 2004 से RTGS की शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछें कि NEFT की शुरुआत कब से हुई, बताइए NEFT की शुरुआत कब से हुई, तो NEFT की शुरुआत हुई नवंबर 2005 से। कब से हुई, नवंबर 2005, ठीक है, नवंबर 2005 से NEFT, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2005 से, और RTGS इसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी शुरुआत हुई मार्च 2004 से। अगला प्रश्न पूछा, ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं। जो आपके पास ATM कार्ड होता है, जो डेबिट कार्ड होता है ना, जिससे आप पैसे निकालते हैं, उस डेबिट कार्ड पर जो एक संख्या होती है, डेबिट कार्ड नंबर होता है, वो कितने अंकों का होता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए आपके डेबिट कार्ड पर एक अंक लिखा होता है, एक नंबर लिखा होता है ना, तो डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या कितने अंक होते हैं। आपने कभी गौर किया होगा तो आपको पता होगा, तो वहां पर 16 नंबर का, ठीक है, अंक जो होते हैं वो 16 नंबर के होते हैं, 16 अंकों के होते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड पर जो अंक दिए होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं, 16 अंकों के होते हैं, याद रखना है। अब अगला प्रश्न पूछा है, IMPS का अर्थ क्या होता है, IMPS का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपने NEFT का फुल फॉर्म समझ लिया, आपने RTGS का फुल फॉर्म समझ लिया, अब IMPS आ गया आपके सामने, तो IMPS क्या है। तो इसका मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS क्या है, एक इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, आप किसी को पेमेंट करेंगे अगर IMPS के थ्रू, तो जस्ट जैसे आपने पेमेंट किया उसके खाते में वो पैसा इमीडिएट पहुंचेगा, तुरंत ही पहुंच जाएगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला प्रश्न क्या है, UPI का अर्थ पूछा है, UPI का फुल फॉर्म पूछा है। ये सभी क्वेश्चन बहुत कॉमन है CCC एग्जाम के लिए, हर बार में पूछे ही जाते हैं, तो ये कॉमन प्रश्न आपको आने ही चाहिए, इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन पर बात करेंगे, बट ये जो कॉमन क्वेश्चन है ये हर बार आपसे 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला प्रश्न पूछा है, NEFT के द्वारा धन ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या आप NEFT के द्वारा अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हाँ कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है। जब भी आप कोई फाइल लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव करते हैं, और आपको बता दें अगर अभी तक किसी भी बच्चे ने जो हमने लिब्रे ऑफिस के क्लास दिए हैं उनका एक प्लेलिस्ट बना है, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर लिब्रे ऑफिस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, उस प्लेलिस्ट में जितने भी क्लास दिए हैं हमने आपको वो सारे देखने हैं, लिब्रे ऑफिस से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और इस प्रकार के जो कॉमन क्वेश्चन बन सकते हैं उनको वहाँ पर हमने समझा दिया है, बहुत ही डिटेल में विद प्रैक्टिकल समझाया है, तो आप उसे ज़रूर देखें, ठीक है, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा समय खर्च करना पड़ेगा और अब ज़्यादा समय भी आपके पास नहीं है, ऐसे में बहुत जल्दी से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, .ods। देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क जो कि एक प्रकार का हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, कैल्क हमारा एक्सेल के समान है, और एक्सेल से शायद आप सब परिचित होंगे क्योंकि MS ऑफिस बहुत ही पॉपुलर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम सभी परिचित हैं। लिब्रे ऑफिस जो है वो अभी नया है, और ये नया आपके CCC एग्जाम में है, क्योंकि CCC एग्जाम में अभी ये फर्स्ट जून
2019 से लागू किया गया, जो सिलेबस आपका नया आया है उसमें। तो ये अब स्प्रेडशीट के स्प्रेडशीट में आपका ये कैल्क यूज हो रहा है, कैल्क काम करेगा, ठीक है, जो कि लगभग एक्सेल के समान ही है। तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन पूछा है वो है ODS, ठीक है, .ODS, यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, कुछ शॉर्टकट की तो सेम है, जैसे आपको सेव करना है तो कंट्रोल एस इसमें भी और आपका जो एक्सेल है उसमें भी, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ तो सेम है लेकिन कुछ शॉर्टकट की आपकी भिन्न है, अलग है, और लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की भी हमने आपको बता दी है, इसके PDF भी हमने आपको बनाए हैं, जो हमने चैप्टर वाइज PDF आपको दिया है, चैप्टर वाइज ईबुक हमने आपको दिया है। उस ईबुक में लगभग 700+ प्रश्न हैं, जो कि पूरे चैप्टर से, जो जितना भी आपका सिलेबस है सभी से दो दो क्लास वहाँ पर हमने दिए हैं, ठीक है। उसमें हमने राइटर, कैल्क और इम्प्रेस की शॉर्टकट की भी शामिल की हैं, आप चाहो तो अगर नहीं लिया है उसको ले सकते हैं, वो शॉर्टकट की का PDF भी आपको उसके साथ मिल जाएगा, और उस पर अभी आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप ईबुक लेते हैं तो 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, डिस्काउंट लेने के लिए एक कोड यूज़ करना है, तो कोड कौन सा है, CCCWiFiStudy आपको यूज़ कर देना है। डिस्काउंट कोड जहां पर मांगे वहां पर क्या डाल देना है, CCCWiFiStudy डाल देना है। जैसे ही आप इस डिस्काउंट कोड को डाल के अप्लाई करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अभी आप इसे ले सकते हैं अगर आपने नहीं लिया है, ओके। चलिए, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और पी होती है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, याद रखना है, नोट कर लेना है। अब यहीं पर एक और बात आती है सब स्क्रिप्ट की, तो सुपर तो आपने देख लिया, अब अगर हम सब की बात करें, सब स्क्रिप्ट, देखो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा आपने, है ना, बेस लाइन के ऊपर लिखा तो वो हो गया सुपर स्क्रिप्ट, ओके। और अगर हम सब स्क्रिप्ट की बात करें, जैसे आपने लिखा एच और टू, टू नीचे लिखा तो ये बेस लाइन हमारा है, इसके जस्ट नीचे लिखा तो ये हो गया हमारा सब स्क्रिप्ट। और जब इसको हम ऊपर लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वाई और स्क्वायर, है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट पी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी भी लेटर के बेस लाइन के नीचे, यानी कि सब स्क्रिप्ट लिखना, जैसे हम एच टू लिखना चाहते हैं, तो ये टू जब लिखेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और साथ में बी प्रेस कर देंगे, ठीक है, आप फर्स्ट वाला बी प्रेस करेंगे, तो ये होता है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में सेव की गई फाइल का के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है, फिर से पूछा है कि अब इंप्रेस में बताना है, अगर आपने इंप्रेस यानी कि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है एक, और इस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में जब कोई फाइल सेव करेंगे इंप्रेस में तो उसका एक्सटेंशन क्या बनेगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, उसका बनेगा ODP, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ये इंप्रेस में अगर सेव करते हैं तब इसका एक्सटेंशन नेम बनेगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कोर्सेरा क्या है, एक प्रकार की ई कॉमर्स साइट है, ई लर्निंग है, ऑल ऑफ दीज या इसमें से कोई नहीं, तो ये भी ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा है, और ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा है, कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, सेल तो आप लोग समझते होंगे, जैसा कि अगर आप ने वो प्लेलिस्ट देखा होगा जो लिब्रे ऑफिस का बनाया, उसमें सब कुछ ये सब बता रखा है ऑलरेडी, तो सेल तो आप समझते होंगे, जो रो एंड कॉलम के अंदर ये आपका एक बन जाता ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये ठीक है, ये जो होता है इसको हम सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल है, इस सेल में जब हम कुछ टाइप करते हैं, इन सेल में जब हम कुछ लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है, वो किस साइड से लिखता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, क्या होता है, सेंटर होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट होता है। जब भी कुछ लिखेंगे किसी सेल में तो उसका जो जब भी कुछ नहीं लिखेंगे बल्कि जब नंबर टाइप करेंगे, जब नंबर टाइप करेंगे तो उसका अलाइनमेंट राइट साइड होता, नंबर हमेशा राइट साइड से लिखेगा, ठीक है, नंबर राइट साइड से लिखा गया। लेकिन अगर आप कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं, किसी का नाम टाइप करते हैं, ठीक है, तो वहां पर उसका अलाइनमेंट फिर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो ध्यान रखना है लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा जब कोई भी नाम टाइप करते हैं। जैसे आपने लिखा CCCWiFiStudy तो ये लेफ्ट साइड से लिखेगा, इस सेल में यहाँ पे लिखेगा, ओके। और अगर आपने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा, आपने नंबर टाइप किया, तो वो नंबर आपका राइट हैंड साइड से टाइप होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, आपको आंसर करना है।
चलिए भाई जल्दी से जवाब करिए, यहाँ पे हो जाएगा HTTP, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब ब्राउजर में इस्तेमाल होता है जब आप ब्राउजिंग करते हैं, आपने देखा होगा ना, जब आप ब्राउजिंग करते हैं और ब्राउजिंग करते समय जब आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं तो उसके साथ में जो प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है वो HTTP है। और यहाँ पर HTTP और HTTPS का भी मतलब आप समझ लीजिए। देखिए जैसे आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखा आपने, ये जो आपका एड्रेस है ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आपने देखा यहाँ पर शुरुआत में क्या लिखा है, HTTPS लिखा है। इसका मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। देखो यहां पर देखें तो लिखा है कनेक्शन सिक्योर, मतलब जो एस लग जाएगा, यस लग जाने से क्या होता है वो साइट आपकी सिक्योर मानी जाती है, ओके। और जहां पर केवल HTTP होता है तो वो साइट आपकी सिक्योर नहीं मानी जाती है, ओके। तो एस सिक्योरिटी के लिए होता है, एक SSL सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो अगर आपने उसको लिया है तब आपकी जो वेबसाइट होती है उसमें HTTPS आ जाता है और अदरवाइज HTTP ही रहता है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी के लिए होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आगे अगर यस लगा है तो वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है जो कि वेब ब्राउजर में इस्तेमाल होता है जब आप ब्राउजिंग करते हैं तब। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर फाइल आपको भेजनी है, ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है। सबके लिए प्रोटोकॉल अलग अलग हैं, HTTP, FTP, SMTP या TCP। सही आंसर है FTP, जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक अलग से प्रोटोकॉल है जो कि फाइल ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या FTP के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वेबसाइट को डैश देखा जा सकता है। किसी वेबसाइट को अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं, वेबसाइट इंटरप्रेटर, इंटरनेट ब्राउजर या ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई अगर आप मेरी ही वेबसाइट पर आना चाहते हैं, आप www.CCCBYFASHI.com पर आना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, ये हमने आपसे पूछा है। तो हम इसको इंटरनेट ब्राउजर के माध्यम से देखेंगे। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ब्राउजर हैं जिनका काम है आपको, आपके मोबाइल फोन के अंदर क्या है, एक ब्राउजर है, उस ब्राउजर का काम क्या है, आपको जो भी www पर कंटेंट है उसको दिखाने का काम करेगा, उस वेबसाइट तक ले जाने का काम करेगा, ठीक है। तो जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं, जैसे आपने गूगल क्रोम ओपन कर लिया फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपने अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में क्या किया, हमने जो आपको एक एड्रेस दिया अपनी वेबसाइट का, उस एड्रेस को टाइप किया। तो आपने डाला यहाँ पर www.CCCBYFASHI.com और डाल के आपने जब इसको सर्च किया तो इसने क्या किया, इस ब्राउजर ने हमारे वेबसाइट से आपको सीधे कनेक्ट कर दिया और इस वेबसाइट के अंदर क्या रखा है ये आपके मोबाइल पर शो होने लगा, आपके कंप्यूटर PC पर शो होने लगा, ठीक है। तो आपने क्या डाला, आपने हमारी वेबसाइट का एड्रेस डाला और उस एड्रेस से क्या हुआ, आपके ब्राउजर ने कनेक्ट कर दिया आपकी वेबसाइट से जिस वेबसाइट का एड्रेस डाला। हालांकि इसके पीछे का प्रोसेस बहुत लंबा है, ठीक है, अगर हम पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे तो काफ़ी यहां पर टाइम लग जाएगा और ये बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है CCC कोर्स में, लेकिन हाँ इस पर हम अलग से कभी बात करेंगे तो ज़रूर आपको इसके बारे में और डीपली समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप इतना ही समझो कि जो वेबसाइट होती है उसको देखने का काम कौन करता है, तो उसको देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट ब्राउजर का करते हैं। जैसे आप ओपेरा मिनी यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं, है ना, सफारी यूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आपके ब्राउजर हैं जिन सभी का काम केवल इतना ही है कि वो आपको लेकर जाएंगे, ठीक है। एक तरीके से वो वाहन का काम करते हैं, जैसे अगर आपको पता लगा आपको कहीं जाना है बाहर तो आप किसी भी सवारी का इंतजाम करेंगे, भाई किसी सवारी पर जाएंगे और वो आपको लेकर जाएगा उस स्थान पर, तो ये क्या, ये भी एक वाहन का काम करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ पे एड्रेस टाइप किया और ये आपको लेकर चले गए उस स्थान तक। अब इन्होंने क्या किया, उस स्थान को आपके सामने ला दिया, उस वेबसाइट को आपके सामने ला दिया, आपके मोबाइल पर खोल दिया। अब आपका जो मन करे उसमें पढ़िए, जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करिए, आपके सामने, आपके मोबाइल फ़ोन के सामने वो कंटेंट रख दिया। तो ये काम कौन करता है, ये इंटरनेट ब्राउजर ही काम करता है। किसी भी ब्राउजर को, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने का काम या देखने का काम इंटरनेट ब्राउजर करता है, ठीक है। इंटरनेट ब्राउजर पर भी हमने एक वीडियो दिया है, अगर आपको मिल जाए तो ढूंढ लेना चैनल पर जाकर के, ठीक है। बहुत डिटेल में
सारे ब्राउजर बताए हैं उसमें और उनके बारे में सब कुछ डिटेल में बताया है आपको, ठीक है। उमंग ऐप भारत में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? उमंग ऐप एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और ये कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? याद रखना है उमंग एप्लीकेशन को 13 भाषाओं में उपलब्ध किया गया, 13 भाषाओं में आप इसे यूज कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। 13 इसमें लैंग्वेज हैं उमंग एप्लीकेशन, और इसका मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। देखिए भारत सरकार की कई अलग, एक तो हम सभी डिजिटल एज में हैं और भारत सरकार की कई अलग अलग सर्विसेज हैं जो कि हमारे जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, उनको मिलती हैं। तो हुआ क्या है कि आपको नहीं पता है कि कितनी सर्विसेज हैं, आप कौन सी वेबसाइट पर जाओगे उस सर्विस का लाभ लेने के लिए, है ना। अलग अलग प्रकार की वेबसाइट आपको याद करनी पड़ेंगी, अलग अलग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो क्या हुआ क्या यहाँ पर, उमंग एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन बना दिया गया है जिसमें सभी सर्विसेज को शामिल कर दिया है। आप अगर LPG गैस का बुक करना चाहते हैं तो भी इसमें सेवा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सारी सर्विसेज शामिल कर दी हैं उमंग ऐप में, और अगर आप केवल एक ऐप डाउनलोड करते हैं, उमंग एप्लीकेशन ही आप डाउनलोड कर लीजिए, तो सरकार की जितनी सर्विसेज हैं जो आम सिटीजन्स को मिलना चाहिए वो सारी यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें जो लैंग्वेज हैं वो 13 हैं, 13 भाषाओं में ये काम करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उमंग एप्लीकेशन को कब रिलीज किया गया, इसको कब रिलीज किया गया, और आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। और यहां पर है ऑप्शन पहला, 23 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया था उमंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं पर खत्म होती है, और आज के बाद अगली क्लास आपको फिर से इसी टाइम पर 8:30 पर मिलेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखना है, इसके बाद हो सकता है क्लास हम और ऐड करें आपके लिए, क्योंकि अगर लगेगा कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो और हम एक क्लास ऐड कर सकते हैं। उसकी टाइमिंग क्या रहेगी इस पर हम आपको आगे बताएंगे, या आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगर कोई नई क्लास और ऐड करें तो उसका टाइमिंग क्या रखा जाए, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग जो भी आपके पास समय बचा है उसमें अच्छे से अपनी तैयारी कर लें। एक तो बहुत दिनों के बाद आपको एग्जाम देने का अवसर मिला है, एग्जाम देने का चांस मिला है, इस चांस को मिस नहीं करना है, गंवाना नहीं है। जितने भी साथी हमारे एक उम्मीद लगा कर बैठे थे कि हाँ इस बार CCC क्रॉस कर ही लेंगे, क्योंकि भाई CCC पास करके मुझे कुछ और करना है, हमारा इरादा तो कुछ और है ना, तो उस इरादे को कैसे हम कामयाब बना पाएंगे, उससे पहले हमारे पास एक जो बाधा पड़ती है ना CCC वाली, इसको क्रॉस करना है। तो जब आप इसको क्रॉस करेंगे तभी आप अपनी सर्विस ले पाएंगे, तभी आप कहीं जॉब कर पाएंगे, तभी आप किसी एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो इसके लिए बहुत मेहनत से हम सभी को लगना है ताकि हमारे जितने भी साथी हैं वो सब अपने मुकाम को हासिल करें, इस एग्जाम को पास करके, इस बाधा को पार करके, ठीक है। इसलिए मेहनत करते रहना सभी साथी, अच्छे से नोट्स बनाते रहना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग मॉक टेस्ट जरूर देते रहें। हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जा करके आप मॉक टेस्ट करते रहें, वहाँ पर और मॉक टेस्ट आपके लिए आ रहे हैं, ओके। और किसी प्रकार का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। इंस्टाग्राम ID आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।